मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन के कुनिहार में करीब 54 करोड़ के कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान सभी को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश भर में प्रगतिशील हिमाचल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने 75 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस हिमाचल को बनाने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के शुरुआती दिनों में 288 किलोमीटर सड़कें थी, लेकिन आज के समय में 49,500 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। उन्होंने गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान खूब सराहा। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने 21 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए, जिन पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमेशा से टोपी को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन हमने इसको खत्म कर रंगों की टोपी को सम्मान दिया, क्योंकि यह टोपी हिमाचल के गौरव है। उन्होंने कहा कि कई लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन वह बताना चाहते हैं कि आज प्रदेश के अंदर 7 लाख लोगों को पेंशन दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना शुरू की गई, ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अभी तक 3.25 लाख लोगों को योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। इसके अलावा गरीब लोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र लाभार्थी के खाते में 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। मैं सरकार का संचालन किया, हर क्षेत्र का विकास किया, जहां विधायक जिस भी दल का है, लेकिन क्षेत्र की ज़रूरत को समझते हुए उसके अनुसार हमने काम करने की कोशिश की और उसमें सफल हुए। लोगों को भावनात्मक दृष्टि से हिमाचल को जोड़ने की जो हमने एक शुरुआत की है, हम जुड़ करके काम करें, मिल करके काम करें, हिमाचल एक है, ना ऊपर का हिमाचल ना नीचे का हिमाचल, और सब वर्ग इकट्ठा होकर के काम करें, उसमें हम सफल हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत बड़ा सहयोग दे रही है हमको। आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास और आस्था का एक विषय जो हिमाचल के लोगों के मन और दिल में है, और हिमाचल प्रदेश के लोग मोदी जी को बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको और मजबूत करने के लिए हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार। कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में, कुछ का आना कुछ का जाना ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर है, सब लोगों से बातचीत हो रही है, पार्टी का नेतृत्व बात कर रहा है और समस्या का समाधान निकला है। सर, संगठन ने भी तैयारी कर ली है, चुनाव प्रबंधन समिति का आपको, संचालन समिति का आपको अध्यक्ष बनाया है, और प्रबंधन का डॉक्टर राजीव बिंदल को अध्यक्ष बनाया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों से जैसे डॉक्टर राजीव बिंदल की नियुक्ति हुई है, पिछले 2 वर्षों से वो सिर्फ नाहन तक ही सीमित है, तो इसे कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, और उसमें उनकी भूमिका रही है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इस तरह के दायित्व सब उन्होंने जो है निभाए हैं, और संगठन में उनके काम करने की एक अपनी एक कुशलता है, और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि चुनाव का जो मैनेजमेंट का काम है जो है उसमें उनकी एक भूमिका रहे। उस दृष्टि से मैं उनको बधाई भी देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। सर, अर्की कॉलेज में 2 साल से लेक्चरर नहीं है। हाँ, वो बात। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।